الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله, الله اكبر الله اكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أمثال القرآن بغرام كالسلسلة

ندى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون اور جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم لگیں और अगर वो बातें करें तो आप इनकी बातें सुनते रह जाएं। गोया के ये टेक लगाई हुई लकड़ियां हैं ये हर बुलंद आवाज को अपने ही खिलाफ़ समझते हैं यही हकीकी दुश्मन है बस इनसे मोहतात रहिए अल्लाह इन्हें गारत करे ये कहां से फेरे जाते हैं ये मिसाल सूरत अलमुनाफिकून में आई है

हम गवाही देते हैं कि बेशक आप यकीन अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह जानता है कि बेशक आप यक़ीना अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक मुनाफिक कतान झूठे हैं यानी उनकी ये गवाही भी झूठी है अल्लाह ताला इसको कबूल नहीं करता इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है बस इन्होंने लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका है बेशक कितना बुरा है वो जो वो अमल कर रहे हैं ये इस वजह से कि वो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफर किया तो अल्लाह ने इनके दिलों पर मोर लगा दी लिहाजा वो समझते ही नहीं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मुनाफिकीन की खसूसियात बताई जा रही हैं जिनमें पहली ये कि इनके अंदर ईमान ही नहीं है ये ईमान से खाली हैं इनके ईमान का दावा कतन जूटा है और ये कस्मे खाकर दूसरों को धोखा देते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते भी हैं तो इनके इस रवैये की वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिलों पे मुहर लगाई है इसके बाद ये मिसाल बयान हुई है इन आयत के शान नजूल के बारे में हदीस में आता है सही बुखारी की रिवायत है जैद बिन अरकम कहते हैं कि मैंने एक लड़ाई के मौके पर अब्दुल्ला बिन ओबई को यह कहते हुए सुना कि जो लोग रसूल अलैहि वसल्लम के पास जमा हैं तुम उन पर ख़र्च ना करो ताकि वो खुद ही आपके पास से अलग हो जाए जब उनको खाने को नहीं मिलेगा तो वो ये दीन का रास्ता ही छोड़ देंगे उसने ये भी कहा कि अब जब हम मदीना लौट के जाएंगे तो इज्जत वाला वहां से जिल्लत वालों को बाहर निकाल देगा तो मैंने इन बातों का जिक्र अपने चाचा से या हजरत उमर से कर दिया उन्होंने ये बातें जाकर नबी अलैहि वसल्लम को बता दी आपने मुझे बुलाया तो मैंने आपको ये बातें बता दी कि हाँ वाकई मेरे सामने ये सब हुआ है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई और उनके साथियों को बुला भेजा उनसे पूछा कि क्या उन, उन्होंने ये बात कही है तो उन्होंने कसम उठा ली कि हमने इस तरह की कोई बात कही ही नहीं चनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे झूठा समझा कि शायद बच्चे ने कोई गलत बयानी की है और उसे सच्चा ख्याल किया मुझे इस बात से इतना दुख हुआ कि इतना कभी किसी बात से नहीं हुआ था जिस हस्ती को इंसान सबसे ज्यादा महबूब जाने उसकी निगाहों में गिर जाए झूठा करार पाए एतम चला जाए तो फिर क्या हालत हो सकती है मैं अपने घर में बैठ गया यानी आपका सामना नहीं कर सकता था मुझे मेरे चचा ने कहा तूने ये क्या किया कि रसूल अल्लाह सल्लम तुझे झूठा कहे और तुम पर नाराज हो तो अल्लाह तआला ने ये सूरत नाजिल कर दी एरा जा अकल मुनाफिकूना न शो अनना कल रसूल जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो गवाहियां देते हैं कि हम हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और इस सूरत की तिलावत फरमाई और फरमाया ज़ैद अल्लाह ने तुझे सच्चा कर दिया तो इससे ये पता चलता है कि जो इंसान सच्चा होता है अगर वक्ती तौर पर उस पर कोई इम्तिहान आ भी जाए लोग उसको मिसट्रस्ट भी करें लेकिन अगर उसके अंदर अखलास है सच्चाई है तो अल्लाह सुबहान ऐसे खुफिया तदाबीर के ज़रिए ऐसे मौाक़े पैदा कर देगा कि उसकी सच्चाई खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएगी उस ज़माने में तो वही नाजिल हो जाया करती थी लेकिन आज के दौर में भी हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि लोगों को खुद ही एतबारापस आ जाता है तो अल्लाह सुबहान तौ ने मुनाफिकीन के बारे में ये जिक्र किया कि जब वो आपके पास आते हैं तो मुँह से इस्लाम का इकरार करते हैं लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है वो कस्मे खा के अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाते हैं और फिर उनकी मज़ीद हालत बताई गई जो इस मिसाल के अंदर है यानी कुछ उनकी खसूसियात जो खसूस अकीदे से मतलब है वो ऊपर बयान हुई और उसके बाद उनकी ज़ाहरी हालत के बारे में बात की गई और ये मिसाल दी गई तो यहाँ पर आज हम मुनाफिकीन के जाहरी हाल हुलिये की मिसाल के बारे में पढ़ेंगे इरशादारी और जब आप उन्हें देखें यानी मोहम्मद सल्म इन मुनाफिकों को देखते हैं तो अजब का अजसाम आपको उनके जिस्म उनकी सेहत उनका हाल हुलिया उनका जाहरी मंजर उनकी जिसमानी तखलीक बहुत मुतासर करती है, नहीं हैरान करती है नहीं होता है ना बाजाकात इंसान किसी बहुत फिट स्मार्ट इंसान को देखे तो इंसान उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है लेकिन हकीकत क्या है कि वो मुनाफिक सिर्फ जिस्मानी सेहत पर ही तवज्जो रखता है और अपनी ईमानी हालत और रूहानी हालत को भूल जाता है तो चूंकि उसका सारा फोकस ही अपने जिसम पर होता है उसी का वो उसी के लिए कंसर्न होता है उसी की फिक्र करता है उसी सेहत को बनाने की फिटनेस को बरकरार रखने की यंग नज़र आने की और जाहरी डेल डूल और ख़ूबसूरती को मेंटेन करने की तो फिर उन जिस चीज़ पर इंसान की तवज्जो होती है और जिस चीज़ के लिए वो वर्कआउट करता है जिस चीज़ के लिए वो मेहनत करता है उसका नतीजा भी अल्लाह ताली दुनिया में दिखा देते हैं इंसान जो है उसके अंदर तीन चीजें बड़ी अहम है जिनमें से सबसे टॉप पर उसकी रूह है रूह ना हो तो इंसान मैयत है मुर्दा है दूसरी चीज इंसान की अकल है जिसकी वजह से इंसान को दूसरे सारे हवाना पर फोकियत बख्शी गई है यानी एक इंसान की रूह और दूसरे इंसान की अकल रूह ना हो तो इंसान मुर्दा है अकल ना हो तो इंसान का हाल खराब है यानी इंसान इंसान ही नहीं वो बिल्कुल बेसमझी वाली हरकतें करेगा और तीसरी चीज इंसान का जिसम है जो जिस थर्ड प्रायर यानी प्रायरि में नंबर तीन आता है और जिसम की असल क्या है मट्टी है मट्टी से बना है इंसान को मट्टी से बनाया गया और इसकी गजा भी मट्टी से ही आती है खाना पीना और दीगर चीजें तो लोगों में से अक्सरियत का हाल हर दौर में यही रहा है कि वो अपनी रूह की वालिदगी और उसकी नशो और उसकी तरक्की पर तवज्जो नहीं देते अपनी अक़ल को बढ़ाने की फ़िक्र नहीं करते गहराई में जाकर नहीं सोचते उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अहम मशगूलियत उनके जिस्म से मुतल होती है कि जिसमें उनका खाना पीना और सेहत और इलाज मुआलजा और वर्जिश और जिसमानी सेहत से मुझे से जितनी चीज़ें हैं वो उसी के बारे में ज्यादा कंसर्न रहते हैं क्योंकि इंसान अपने आप को उसी एतबार से दूसरों के सामने पेश करता है इंसान की रूहानी हालत क्या है ईमानी हालत क्या है अंदर का इतमान कैसा है इसका लुत्फ सिर्फ आप खुद ही उठा सकते हैं इसको आप खुद ही जायजा उसका ले सकते हैं इसी तरह अक़ल ऐसी चीज़ है कि जिस जो आपको ग्रो करने में एक मचोर इंसान एक समझदार इंसान बनने में मदद देती है जिसके लिए इंसान अपने इल में इजाफा करता है इन चीज़ों को एक्सप्लोर करता है गौर वफिक्र करता है तदब्बर करता है और उसका कुछ हिस्सा इंसान को खुद फ़ायदा देता है लेकिन दूसरों को भी उससे कुछ फ़ायदा पहुंचता है तीसरी चीज़ इंसान का जिस्म है अगर जिस्म खूबसूरत होता है तो दूसरे को बात ना भी करे कोई अकल की बात ना करे कोई रूहानी बात ना भी करे तो इंसान उसका ज़ाहरी हाल हुलिया लिबास देख कर उससे मुतासर हो जाता है तो बहुत से लोग इससे धोखा खा जाते हैं और वो सिर्फ ज़ाहरी जेब जीनत ही के पीछे अपने वक्त का जिंदगी का जवानी का एक बड़ा हिस्सा गुजार देते हैं तो यहाँ जो मुनाफिकीन का हाल बताया गया या उनके बारे में जो खबर दी जा रही है वो भी यही है कि वह रूह और अकल के अतबार से अपने बारे में गाफिल हैं जबकि तीसरा जो उनके मादी पहलू है जिसमानी पहलू है उसकी तरफ बहुत तवज्जो देते हैं और खूब खा पी कर और अपने आप को ऐशो ऐशरत और आराम देकर अपने आप को ख़ूबसूरत पेश करते हैं तो फरमाया वही इदा रईतहुम तो अजसामहुम यानी ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप इन मुनाफिकों को देखते हैं तो आपको इनके जिस्म अच्छे लगते हैं यानी इंसान को हर खूबसूरत चीज़ अट्रैक्ट करती है तो यह कोई बुरी बात नहीं है कि इंसान अच्छी चीज़ को देखे और उससे इंस्पायर हो तो यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो अच्छी चीज़ें होती थी वो अच्छी लगती थी तो आप फरमाया कि जब आप देखते हैं तो आपको वाकई अच्छे लगते हैं कि बड़े खूबसूरत लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं क्योंकि मदीना में भी निफाक में अक्सर लोग वो मुबतला थे जो खुशहाल थे मालदार थे और इसी वजह से वो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होते थे क्योंकि उनको डर ये था कि अगर हम इस पूरे इस्लाम की तरफ आ जाएंगे तो हमारी तो हमें तो बहुत कुछ अल्लाह के रास्ते में देना पड़ेगा जान भी माल भी और बहुत कुर्बानियां करनी पड़ेंगी सुबह सवेरे उठना पड़ेगा नमाज के लिए रातों को जागना पड़ेगा और बहुत से काम करने पड़ेंगे सदका खराज देना पड़ेगा तो इस चीज़ से वो कतराते थे तो अक्सर मुनाफिक जो थे वो खुशहाल लोग थे साहिब हैसियत थे इन्फ्लुनशल लोग थे बहुत ज़ाहरी दुनियावी एतबार से बहुत होशियार चालाक और तरार लोग थे दुनियावी फायदों को खूब समझते थे और उनकी ये खुशहाली ही और माल की हिरस ही उनके निफाक का बास थी और इनमें से खास तौर पर जो उनका सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई ये माशी लिहाज से भी उनका रईस था यानी बड़ा था देखने में भी बड़ा खूबसूरत था लम्बे कद वाला और बहुत खूबसूरत जिसम का मालिक आ, जैद बिन अरकम रजी और कि वो बहुत लोग थे। देखने में बड़े खुश मंजर थे इबन अब्बास रजिया कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब मुनाफिक जो था खूबसूरत चेहरे वाला तंदरुस्त हसीन और फसीहुल्लिसान था बोलने का भी बड़ा माहिर था बस जब वो बात करता तो नबी अलैहि वसल्लम उसकी बात की तरफ मुतवज्जे होते थे यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब बात करें तो आप सुने बगैर रह नहीं सकते आप सुनने लग जाते हैं चाहे उनकी बात में कुछ बहुत मीनिंगफुल चीज़ ना भी हो लेकिन उनका अंदाज बयान ऐसा होता है कि वो आपको अपनी तरफ खींच लेता है तो अल्लाह सुबहान ये सिफत बयान की कि वो तो जिबो का अजसाम कल भी कहते हैं इससे मुराद अजसाम जमा का सीखा है इससे मुराद अब्दुल्ला बिन उबै जिद बिन कैस और मतब बिन कुैर हैं उनके जिसम बहुत खूबसूरत और दिलकश थे और उनकी जबान में बहुत फसाहत थी अच्छा इस शायद का ये मतलब नहीं है कि किसी की जिसमानी सेहत अच्छी हो तो नउज बेला वो मुनाफे की है ये माना नहीं है बहुत से लोग ऐसे हैं हर दौर में ऐसे रहे हैं कि जो जिसमानी बड़े कवि होते हैं लेकिन उन्होंने अपनी अपनी ताकतें अपनी सेहत अल्लाह के रास्ते में लगाई हुई होती है वो उससे खैर के कामों में आगे बढ़ते हैं जाहिर जब इंसान कमजोर होता है बीमार होता है तो वो बहुत सी चीजें चाहने के बावजूद कर नहीं सकता वो चाहता है कि कुछ करे लेकिन कर नहीं पाता इसीलिए वो कहा गया ना कि अल मुमिनुल कवी خير واحب الى الله من المومن الضعیف وفي كل خير قوی مؤمن ضعیف مؤمن से बेहतर है और अल्लाह को ज्यादा प्यारा है कमजोर मोमिन के निस्बत और दोनों में ही खैर है यानी ये नहीं कि कमजोर अल्लाह का दुत्कारया हुआ है लेकिन कमजोरी से मुराद यहाँ सिर्फ जिस्मानी कमजोरी नहीं है इससे मुराद रूहानी कमजोरी भी है यानी कुछ लोग होते हैं उनका ईमान कामिल होता है या बहुत कवी होता मजबूत ईमान वाले होते हैं और ईमान में बहुत ऊंचे दर्जे पर होते हैं कुछ दरमियाने और कुछ जरा निचले दर्जे पर होते हैं तो अल्लाह को वो लोग ज्यादा प्यारे हैं कि जो ईमान के अला दर्जात पर होने रूहानी एतबार से भी कवी हो और जिसमानी एतबार से भी कभी हो अब्बास रजी अल्लाह के बारे में आता है कि वो भी नहायत खूबसूरत और तवीलत थे जब घोड़े पे सवार होते तो उनके पाँव जमीन पे लगते थे इतने लंबे थे कद के बैतल्ला का तवाफ करते तो सब में से बीच में नुमाया नजर आते थे होता ना बस बाद लोग टॉलिस्ट होते हैं तो वो प्रमिनेंट हो जाते हैं लेकिन उन्होंने अपने जिसम को अल्लाह के रास्ते में लगाया हजरत की अल्लाह के रास्ते में जहाद करते रहे और हजरत हज़रतमर रज़ील्हू के दौरे खिलाफत में उनके करीबी लोगों में से थे यानी अपनी सलाहियतोंव्वतों माल को अल्लाह के रास्ते में लगाया तो जिसमानी कु्वत कोई बुरी चीज़ नहीं है इसमें भी ख़ैर है हज़रत अब्बास की तवालत से आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो जंग बदर में पकड़े हुए आए थे तो उनके पास लिबास नहीं था तो अब्दुल्ला बिनुबई का जो कुर्ता था वो उनको पूरा आया था तो पहनाया गया था फिर जब अब्दुल्ला बिन उबई का इंतकाल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता जो था वो उसको कफन के लिए एक तरह से दिया था उस एहसान के बदले के तौर पर जिस्मानी कुत का जहां तक ताल्लुक है तो हम देखते हैं कि तालुत को अल्लाह सुबहान जिस्मानी कुत की वजह से चुना था है? सूरत बकरा में आता है वक़ाल नबी कदबा तालुतिका قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم उनके नबी ने यानी बनी इसराइल के नबी ने मूसा अलैहि सलाम के बाद की बात है उनसे कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकरर किया है वो कहने लगे भला वो हम पर का हकदार कैसे हो सकता है हम ज्यादा हकदार हैं उससे उसके पास तो कुछ मालत भी नहीं तो नबी ने कहा अल्लाह ने तुम पर एहली तुमसे ज्यादा दी ज्यादा फिल्म बल जिसम और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी हुकूमत अता करता है बादशाहत अता करता है वो बड़ी वस्सत वाला है खूब जानने वाला है उसको पता है कि किस किस काम के लिए चुनना चाहिए इसी तरह हम देखते हैं कि सलाम की सिफ़त क्या है कुरान मजीद में आता है इन नकौल रसूल इन अमीन। यह कुरान एक मुअज़्ज़ज़ रसूल फरिश्ते का कौल है, जबरील लेकर आए हैं जो बड़ा ताकतवर है, गुव, गुव, है और साहेब अर्श के हाँ बड़े रुतबे वाला है इन दिल अरश बड़ा मकाम है उनका वहां उसका हुक्म माना जाता है जो वो फरिश्तों को करने के लिए कहते हैं फौरन फरिश्ते उनकी बात मानते हैं बात है ट्रस्ट वर्दी है तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो कभी इंसान होता है जिम्मेदारी निभाने में भी बड़ा अच्छा होता है जैसे सलाम की जो दो बेटियां थी जिनके जानवरों को सलाम ने पानी पिलाया था तो सलाम भी बड़े कभी थे आपको मालूम है उनके घोंसे से वो किप्टी जो था वो मारा गया था तो उनकी बेटियों ने जब आके अपने वालिद को बताया कि किस तरह किसी अजनबी शख्स ने उनकी मदद की है और फिर ये सिफारिश की कि आप उसको ही काम पर रख लें ताकि हमारा झंझट खत्म हो हम औरतें बाहर ना निकलें तो कोई आप मजदूर रख लें और उन्होंने मूसा सलाम के बारे में जब रिकमेंडेशन दी तो साथ ही कहा इन न खैर अमनिस्ता जरता अलकवी अल अमीन के बेहतरीन आदमी जिसे आप उजरत पर रखना चाहें वही हो सकता है जो ताकतवर और अमीन हो दो खूबियां उन यानी एक खातून के अंदर भी अल्लाह ने समझ डाली कि किसी को हायर करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए क्या देखा जाना चाहिए यानी जिसके अंदर काम की ताकत भी हो वो काम जिस जो उसके सपुर किया जाए वो कर भी ले और दूसरा ये कि ट्रस्ट वर्दी हो क्योंकि जिसको इंसान काम देता है फिर अगर वो कायन हो तो वो धोखा दे जाता है काम पूरा नहीं करता और बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह के रास्ते में निकले और किसी खौफ वतर की परवाह ना करे बुजदिली का मुजाहरा न करे यानी रूहानी और कलबी एतबार से भी मजबूत दिल का हो सही तरह अबू हुररह से है सही मुस्लिम में है रसूल ने फरमाया बेहतरीन जिंदगी उस शख्स की जिंदगी है जो अपने घोड़े की बाघें उसकी पुश्त पर बैठ करवाज होता है जहा किसी खौफ व खतरे की खबर सुनता है तो मौत और शहादत को उसके मकाम पर तलाश करने को लपकता है यानी जान की भी परवाह नहीं करता जो करने का काम होता है उसको कर गुजरता है और हजरत उमर दुआ किया करते थे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में शिकायत करता हूँ फाजरों के ताकतवर होने की और काबिल भरोसा लोगों के कमजोर होने की यानी जो ट्रस्ट वर्दी है उनमें कु्वत नहीं वो काम के काबिल नहीं है वैसे बहुत मुखलिस हैं सिंसियर हैं अच्छे हैं लेकिन कोई काम दो तो वो नहीं आता उनको करना वो नहीं कर सकते और दूसरी तरफ वो लोग जो दीन में नहीं अल्लाह के नाफरमान है उनकी कु्वतें और सलाहियतें इतनी बड़ी हुई हैं कि वो बहुत कुछ कर जाते हैं और ये रेशो उस जमाने में भी था और आज भी हम देखते हैं कि दुनिया के लिए लोग कैसी कैसी मेहनत कर जाते हैं कितनी कु्वत लगा जाते हैं लेकिन जब किसी को दीन का कोई काम दिया जाए तो उसके लिए अनथक कोशिश नहीं होती यानी अपनी जान खपाने वाली बात नहीं होती जान लगाने वाली बात नहीं होती यानी कुछ लोग आ, बहुत अच्छे होते हैं अखलाक के अच्छे हैं नरम मिजाज नरम मिजाज सारी क्वालिटीज हैं लेकिन काम नहीं कर सकते काम नहीं जानते होते तो फिर किस फायदे के वो अपनी ज़ात के लिए तो फायदा मंद है लेकिन वो दीन के लिए बहुत फायदा मंद नहीं तो इसीलिए हजरत उमर ये इस तरह दुआ करते थे मतलब ये था कि अल्लाह मुझे कबी अता करे लोग कि जिनसे मैं हु, 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 हुकूमत का काम ले सकूँ फिर फरमाया वकूलूत ना सिर्फ ये कि उनका जाहरी हाल हुलिया अच्छा है बल्कि ये कि जब वो बात करे तो आप उनकी बातें सुनते रह जाए यानी गुफ्तू का अंदाज बड़ा अच्छा है कलाम की फसाहत बलागत है कैबलरी अल्फाज का चुनाव बातों में शरीनी जब बात करे तो आप उनको बिल्कुल सच्चा समझे इतनी कन्विंसिंग पार और आपको लगे कि ये बात करते चले जाए यानी कुछ लोग होते हैं ना जब बात जब वो बात करते हैं तो इंसान बोझल होता है यानी उनकी बात बोझ लगती है कि बस जल्दी खत्म करो यानी एक प्रेसराइज फील करता है इंसान और मजा नहीं आता उनसे बात करके लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो बोलते हैं तो दिल चाहता है कि बोलते चले जाए तो यहाँ इनका भी यही हाल था बज़ाहिर वो इस्लाम की बातें करते इस्लाम की मुआफ़त इस्लाम की खदमत की और इस्लाम की खूबसूरती की लेकिन जब अमली मैदान में आते तो कहीं नजर नहीं आते थे या आते भी तो, तो खराबियां करते थे लोगों में फूट डालते फसादा करते तो यहां उनकी एक और अलामत बता दी गई कि वो कैसे लोग हैं और इस चीज से भी इंसान को अम्म मुहतात रहना चाहिए क्योंकि सूरत सफ़ के शुरू में जो मिसाल हमने कल पढ़ी थी उसमें भी आता है तब इन द्ला तफाल अल्लाह को बड़ा गुस्सा दिलाने वाली अल्लाह के नज़दीक बड़ी सख्त नापसंदीदा बात है कि जो तुम कहो फिर वो करो नहीं यानी जबान के गाजी हो लेकिन अमल के मैदान में फेल तो ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं यानी का होता है ना कि कुछ लोग बातों में बहुत मुबालगा करते और इतनी आपकी मदद की आपके साथ चलने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं दावे करते हैं लेकिन जब आप उनको छोटा सा भी काम दें तो आए बाएं शाएं करने लगते हैं और कोई ना कोई उधर बहाने तलाश कर लेते हैं और कोई ना कोई कहानी सुना देते हैं कि फिर आप रह जाते हैं और फिर जब कोई मौका आता है फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इस ये जो कैफियत है इससे भी इंसान को निकलना चाहिए कि जो कर सकता है सिर्फ उसकी कमिटमेंट करे और जो नहीं कर सकता उसके बारे में ज्यादा बात भी ना करे फिर यहां पर जो मिसाल दी गई कि वो है कैसे उनका उ, उ, उनकी जिस्मानी हालत क्या है का अन्न ये है मिसाल दी गई उनकी गोया के वो चुनी हुई लकड़िया हैं खुशब का लफ्स है ये खशाबा की जमा है और खुशब को खुशब भी पढ़ा गया है एक रात में और इस वजन की ये जमा बहुत कम आती है मुफसरीन ने इसकी मिसाल सम्रत से ली है जिसकी जमा सुमर है सम्र फल को कहते हैं और जमा जिससे खुशब और मुसन्नद सनत का मतलब होता है सहारा लेना ये बाप तफील से इस मफूल है मुसन्नद का मतलब है दीवार के साथ टेक लगाकर रखी हुई तो मतलब ये है कि जैसे लकड़ियों में तूल और अर्ज और खूबसूरती के बावजूद अकल समझ कोई नहीं होती इसी तरह ये भी अकल और समझ से आ रही है खाली है अकल नहीं है इनके अंदर जब ये आपकी मजलिस में आए और दीवार के साथ पीछे टेक लगा के बैठ जाए और बाहिर यह समझ नजर आए कि ये बहुत कुछ सुन रहे हैं समझ भी रहे हैं लेकिन जब उठते हैं तो क्या कहते हैं एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं आज क्या बात हुई थी यानी उनका ना उसमें दिल होता ना दिमाग होता ना ना उनकी तवज्जो होती है और ना ही वो वहां कुछ सीखने के लिए आते हैं वो तो सिर्फ हाजिरी लगाने आते हैं कि अगर हम ज्यादा गैर हाजिर रहे तो लोग हम पे शक करेंगे कि शायद ये मुसलमान ही नहीं क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की कामयाबियों से फायदा उठाना था तो बजाहिर खूबसूरत है लेकिन खैर से खाली है बेकार है नफे से खाली है जमक्शरी एक मुफसर है वो कहते हैं कि आयत का मतलब ये है कि व जमील जसीम जसीमो अरीज होने के बावजूद उनसे किसी नफे की तो क्योंकि जो कारामद लकड़ी होती है ना या वो किसी दरवाजे में लग जाती है या किसी अलमारी में लग जाती है या उससे कोई फर्नीचर बन जाता है तो वो फायदा मंद लकड़ी है चाहे लकड़ी में अकल समझ नहीं भी फिर भी फायदा देती है लेकिन दीवार के साथ उसी लकड़ी को टेक लगा के रख दिया जाता जो सुखाने के लिए या के जला देंगे बाद में या ये है कि उससे कोई फौरी फायदा नहीं हो रहा होता तो मुनाफिकीन की अक्सरियत का यही हाल था का अन्न हुम खुश यानी खुशब से मुराद लकड़ी के तने वो खजूर के तने भी लिए गए हैं यानी खजूर के खड़े हुए दरख्त द्रखत दरख्त जो हैं उनसे भी तशबी दी गई है क्योंकि वो देखने में खूबसूरत नजर आते हैं लेकिन खजूर का तना आम दरख्तों के तने की तरह इतना फायदा मंद नहीं होता होता स्ट्रेट है और उसके अंदर डिजाइन भी होता है एक खूबसूरती भी होती है ग्रैंडर होती है एक देखने में भला महसूस होता है लेकिन अगर आप खजूर के तने को काटें और काट के आप उससे कोई फर्नीचर बनाना चाहें कोई खिड़की में लगाना चाहे कुछ तो आप उसको नहीं लगा सकते वो फायदा नहीं देता तो एक कॉल यह है कि ये खजूर के तनों जैसी लकड़ी है जो काम नहीं आती ज्यादा दूसरी बात यह कही गई कि इनको खोखली लकड़ी के तख्तों के साथ तशबी दी गई है खोखली लकड़ी जैसे सीवी लगी होती है सीवी कहते हैं इसको दीमक को ये वो अंदर से खाई भी होती है देखा होगा जिन दरवाजों को या जिन लकड़ियों को दीमक लग जाती है वो देखने में बड़ी खूबसूरत नजर आ रही थी पॉलिश की हुई फर्स्ट क्लास लेकिन जब आप उनके ऊपर कोई दबाव डालते हैं और जब वो टूटती है तो हैरान हो जाते हैं कि अंदर तो कुछ भी नहीं था कराची वगैरह में आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में अगर वो वुडन फ्लोर हो या दरवाजे लकड़ी के हों तो उनको दीमक लग जाती और खोखले हो जाते और जब उनको रिप्लेस किया जाता है तो उनकी हालत देख के हैरानी होती है कि ये क्या खड़ा था ये तो गिरने वाला था अगर अब इसको ना उतारा जाता तो ये सब कुछ गिर जाता यानी ना वो बोझ उठाते हैं ना वो लेकिन हाँ देखने में जब तक उनका अंदर नजर नहीं आता देखने में वो खूबसूरत ही नजर आ रहे होते हैं तो मुनाफिकीन भी देखने में खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं लेकिन यह है कि अंदर से बिल्कुल खोखले हैं ईमान से खाली और रूहानी तौर पर बिल्कुल बेकार तीसरा माना यह भी किया गया है कि ना वो खैर की बात सुनते हैं ना कबूल करते हैं यानी दीवार के साथ लकड़ी रखी हुई लकड़ियों के साथ इसलिए तशबी दी गई है कि जैसे लकड़ी से आप बात करें तो उसको ना कोई समझ आती है और ना ही वो कोई जवाब देती है और ना ही वो कुछ आपके किसी काम आती है। वो जिस जहां आपने खड़ा कर दिया ना जहां है वही है साला साल तक भी वही रहेंगी अलग बात है खोखलियों की गिरेगी टूट जाएगी सलाम जिन्हों से जब काम लेते थे तो असा के सहारे खड़े होते थे और आप जानते हैं सब कुरानी मजीद में ये वाक्य बयान हुआ है कि उनकी मौत की खबर जिन्हों को भी नहीं हुई के उनकी लकड़ी जो असा था उसको जब दीमक ने खा लिया तो वो असा गिर गया टूट गया और फिर तब जिन्हों को पता चला कि सलेमान सलमान तो फौत हो चुके हैं तो मतलब ये है कि तीन वजुहत की बिना पर उनको चुनी हुई लकड़ियों से तशबी दी गई एक बजायर खूबसूरती जैसे पॉलिश दरवाजे और फ्लोर लेकिन अंदर से खाया हुआ दूसरे बातन में खराबी अंदर घुन लगा हुआ खोखले और तीसरे हक की बात ना सुनना ना कबूल करना और ये तीनों चीजें थी उनके अंदर तो मुनाफिक का जो दिल होता है वो ईमान से खाली होता है क्योंकि लकड़ियों के तख्तों की तरह ना अकल रखते हैं और ना ही उनके अंदर कोई रूह होती है ना किसी बात को सुनते हैं ना समझते हैं क्योंकि तो पेटों में ईमान ही नहीं अंदर कुछ है ही नहीं अंदर से अंदर से खाली हैं और मुसन्नदा का मतलब क्या है सहारा लिए हुए तो मुनाफिक कसमों का सहारा लेते थे अपनी जानों को महफूज करने के लिए अपने निफाक को छुपाने के लिए का सहारा लेते थे तो ये दोनों अल्फाज यहाँ बड़े काबिले खुशुब भी और मुसन्दा भी खुशुब जो है ठोस लकड़ी, लकड़ी के लिए आता है लेकिन अंदर से फिर खाली है तो वो और बात है और खशबा वो लकड़ी होती है जो लंबी खुरदरी ठोस होती है जिसकी शाखें सख्त होती हैं लंबी होती हैं, लेकिन जिंदगी से खाली होती है उनमें कोई तमीज शऊर नहीं होता एहसास नहीं होता जो हुसन होती है वो वो टहनी होती है जो दरख्त की जानदार टहनी होती है जिसपे पत्ते लगते हैं जिसपे फल फूल लगते हैं यानी एक है खुशब दोनों ही लकड़ियां एक है खुशब जिसमें कोई खैर नहीं कुछ नहीं उसके अंदर सूखी लंबी बाहर देखने में आपने ट्विक देखी होंगे कि लोग उनको डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बााहिर देखने में खूबसूरत लेकिन अंदर कोई उसकी खैर नहीं इसके बरक्स जो ब्रांच ट्री के साथ लगी हुई होती है जो बाहर आती है उसपे पत्ते निकलते हैं उस पर फूल निकलते हैं उस पर पल लटकते हैं यानी दरख्त का असल हुसन हीसन होता है हुसन ना हो तो ना फूल लगे ना पल लगे ना पत्ते लगे ना हरा हो ना फलदार हो ना पुलदार हो तो इन दो को आप कंपेयर कर ले जो मोमिन होता है वो हुसन की तरह होता है तरोताजा इसके बरक्स मुनाफिक जो होता है वो खैर से खाली होता है और फिर यह है कि खुशबुन मुसन्नदा है यानी देखने में अच्छी भी लेकिन अंदर कुछ नहीं क्योंकि आप कि लकड़ी को भी इस्तेमाल करने से पहले ठोक बजा के देखा जाता है ना कि किस किस्म की है कोई गुण तो नहीं लगी तभी उसको दीवार में या छत पे लगाया जाता है या फ्लोर लगाया जाता है उसका तो इन इन इनको जब कोई इम्तिहान आता है इनको आजमाने के लिए तो उस वक्त इनकी हकीकत जाहिर हो जाती है और ये किसी भी खास जगह पर फिर फिट नहीं आते तो इनके बेकार और हकीर होने की तरफ इशारा है कि ये कहीं फिट नहीं आते ना फ्लोर में ना दीवार में और ना छत पे किसी दीन की किसी खिदमत के काबिल नहीं यानी जिंदा है लेकिन जिंदा लाश जिसको कहते हैं ना एहसास से खाली ईमान से खाली क्योंकि जो जिंदा दरख्त होते हैं वो बढ़ते हैं फलते हैं फूलते हैं फायदा मंद होते हैं ऑक्सीजन देते हैं छाव देते हैं फल देते हैं लेकिन जो दरख्त मर जाता है आपने देखा होगा जब बाहर आती तो कुछ दरत जल चुके होते हैं सर्दियों की बर्फ से ये यहाँ ये मंजर बहुत जगह नजर आता है दोबारा फलते फूलते नहीं तो उनका हा उनके हाल हुलिया जो है वो बिल्कुल अलग होता है उन उनसे कोई खैर नहीं आती फिर हती कि उनको काट ही दिया जाए और उनका काटना ही ज्यादा बेहतर है कि अगर वो गिरे तो नुकसान दे और ऐसे दरख्त जो वो मजबूत भी नहीं होते जो सूख जाते हैं उनके अंदर कोई साबित कदमी भी नहीं होती और ये भी कहा गया कि ये चूंकि मजलिस में पीछे बैठते थे दीवार के साथ बैठने को तरजीह देते थे टेक लगाने को तो उससे उसके उस लिए मुसन्नदा का ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यानी इनको सिर्फ़ अपनी जिस्मानी राहत और जिस अपना एक अलग से स्टाइल और ये सब चीज़ें महबूब थी नबी अलैहि वसल्लम के करीब होने का शौक़ नहीं था तवज्जो से बात सुनने का शौक़ नहीं था पीछे पीछे रहते थे मजीद और इनकी क्या खसूसियत इसमें बताएगी यह सबू ना ये हर आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं यानी बजहिर खूबसूरत क्योंकि अंदर से खोखले हैं इसलिए बुजदिल हैं। अंदर से इंतहाई कमजोर हैं, वीक हैं। घबराए हुए कम हिम्मत खौफ जदा रहते हैं क्योंकि जो शख्स झूठा होता है ना जिस शख्स ने अपने अंदर कोई चीज छुपाई भी होती है जो चोर होता है वो उसका हाल यही होता है कि वो हर चीज को समझता कि ये मेरे खिलाफ कुछ होने लगा खौफ ज्यादा होता है असिद तुम अनीना सच्चाई में इतमान होता है तो इसका एक मानना यह किया गया है कि दुश्मन के हमले से खौफ ज्यादा रहते हैं यानी जरा सी कोई आवाज सुनते हैं मदीना में और जरा सी कोई अम खौफनाक चीज सामने आती है तो इनको लगता है बस दुश्मन ने हमला कर दिया और अब तो ये मरे के मरे अब तो आई इनकी हलाकत यानी हत्ता के जब इनका कोई साथी अपनी ऊंटनी पर जोर से चिल्लाए या जानवरों को हांके तो उन आवाजों से भी डरते थे कि है ये कौन आ गया दूसरा ये कि इनके अंदर पहचाने जाने का खौफ था कि हमारा निफाक ना खुल जाए यानी मुनाफिकीन अपने ऊपर पड़ने वाली हर बुलंद आवाज से समझते हैं कि इनको पहचान लिया गया है इसीलिए अल्लाह ने फरमाया हुम फहदर हम ये दुश्मन है इनसे बच के रहो फिर इसी तरह यह भी कहा गया कि मस्जिद में कही जाने वाली हर पुकार को अपने खिलाफ समझते हैं नबी सल्लाम जब कोई हुक्म जारी करते थे जैसे किसी के कत्ल का हुक्म तो इनको डर होता था कि कहीं हमारे बारे में तो नहीं कोई फैसला हो रहा हर हादसे फिर ये कि हर हादसे के बारे में ये समझते कि इन्हें पे नाजिल हो जाएगा आई इनकी शामत आई इन पे मुसीबत यानि जब भी कोई हादसा पेश आता या कोई खौफ की बात होती तो बुजदली की वजह से क्या समझते कि ये आफत तो उन पर आएगी ये मुसीबत इन पर ही आने वाली है इतना डर है इनके अंदर इसलिए आप देखें कितनी कि खूबसूरत दुआ है जो हमें हर नमाज के बाद पढ़ने के लिए कही गई है अल्लाई तो कमिनुबनीमिन ये इंसान को पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि बुजदली जो है वो इस्लाम में पसंदीदा नहीं कि इंसान हर चीज़ से खौफ खाता रहे मोमिन जो है वो आखिरत के लिए जीता है उस दुनिया का कोई भी नुकसान उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती क्योंकि वो अल्लाह के साथ सच्चा होता है तो उसको ये होता है कि जब मैं मरूंगा अल्लाह के पास जाऊंगा तो इन अगली जिंदगी इससे बेहतर होगी क्योंकि मोमिन दुनिया में राहत पा ही नहीं सकती बाजा कहते हैं कि हमने जिंदगी में एक दिन भी अमन चैन का नहीं पाया कि हम अमन आराम से रहे हों हर रोज कोई ना कोई मसला हर रोज कोई ना कोई तकलीफ की चीज जाहिर है कि जब आप अल्लाह के अल्लाह के लिए खालिस बन के जी रहे होंगे अल्लाह की इबादत और अल्लाह के दीन की दावत और खिदमत में अपना वक्त लगा रहे होंगे तो ना आपकी रात की नींद पूरी होगी ना आपको अपनी फूड बहुत करने का वक्त होगा जैसे रमजान ही था तब तो आप देखेंगे कि सोए हैं या एक दो घंटे के लिए सोए हैं तो फिर फिर उसके बाद इफ्तार के बाद तरावी का वक्त है तो कितना थोड़ा सा टाइम बीच में होता है तो आप कितनी चीजों को कट डाउन कर देते नहीं ये चाय भी नहीं पीनी ये ये भी नहीं खाना ये भी नहीं करना ये भी नहीं करना क्योंकि इबादत का वक्त लेकिन कुछ लोग हैं ना उनको तरावी की फिक्र है ना वो रात जाग रहे हैं शुगल मेला लगा के और उसमें शहरियां भी कर रहे हैं और उसको भी पार्टी बनाया हुआ है फन बनाया हुआ है तो बहुत बड़ा फर्क है न एक इंसान जिसकी तवज्जो इबादत की तरफ है और पूरा ध्यान उसकी तरफ है और बाकी चीजों को सिर्फ जरूरतन कर रहा है वह तो जरूरत पूरी हो जाए काम चल जाए और दूसरा शख्स जिसका पूरा फोकस ही उस पर है कि मेरे खाने पीने में किसी चीज की कमी ना आए हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक हो तो इन दो के लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है क्योंकि इंसान जब दूसरों के लिए जीता है तो अपनी जिंदगी में बहुत सी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं तो यहाँ इनको हमेशा इस बात की फिक्र होती थी कि पत्नी को नया हुक्म आ जाएगा कोई नए नही, नई चीज आ जाएगी फिर हमें कोई कुर्बानी करनी पड़ेगी कुछ छोड़ना पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा मोमिन के लिए अल्लाह का हर हुक्म खुशी का हुक्म होता है कि ला हमें गाइडलाइन मिली हमें रहनुमाई मिली हम और क्या करें हम और क्या करें वो कभी भी इस बात से नहीं थकता कि जो कर रहा है वो उस पर काफी है ईमान वालों का हाल ये होता है कि जो वो कर रहे होते हैं वो कहते हैं इससे ज्यादा कुछ करने का मिल जाए और क्या करें कि अल्लाह को राजी कर दें हर वक्त इस न, कोई ना कोई नेकी करने की तलाश में लगे रहते हैं फिर इसी तरह यह भी कहा गया कि लश्कर में दी जाने वाली हर आवाज से ये खौफ ज्यादा होते थे बसर कभी लश्कर में अगर कोई आवाज दे किसी का जानवर छूट के भागे या किसी को ढूंढा जा रहा हो तो इनके दिलों में खौफ दहशत रहती थी कि अभी इनके बारे में कोई आयत नाजिले और इनको बुलाया जा रहा है या ये जो छुप छुप के खराबियां कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया

तुम्हारे बारे में सख्त बकील है बस जब खौफ आ पहुंचे तो आप इन्हें देखेंगे कि वो आपकी तरफ ऐसे देखते हैं कि इनकी आंखें उस शख्स की तरह घूमती हैं जिस पर मौत की गशी तारी की जाती है। फिर जब खौफ जाता रहता है तो आपको तेज जबानों के साथ तकलीफ देंगे इस हाल में के माल के सख्त हरीस है ये लोग ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ने इनके अमाल जया कर दिए और ये हमेशा से अल्लाह पे बहुत आसान है फिर इसी तरह जब जहाद का हुक्म आता था तब भी इनको मौत पड़ जाती थी सूरत मोहम्मद में है और वो लोग जो ईमान लाए कहते हैं कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल की गई फिर जब कोई मोहकम सूरत नाजिल की जाती है और उसमें लड़ाई का जिक्र किया जाता है तो आप इन लोगों को देखेंगे जिनके दिलों में बीमारी है वो आपकी तरफ इस तरह देखेंगे जैसे उस शख्स का देखना हो जिसपे मौत तारी हो गई मौत की खशी हो बस इनके लिए हलाकत है इनके लिए फरमाया हुमुल हु यही दुश्मन है ये पक्के दुश्मन है मोहतात रहो यानी हकीकत में मुसलमानों के दुश्मन मुनाफिक ही है। छुपे दुश्मन है ना जो खुले दुश्मन होते हैं ना उनसे मुकाबला आसान होता है आप देख लेते हैं कि वो आपके खिलाफ क्या कर रहा है और आप उसका मुकाबला कैसे करें लेकिन जो दिलों में दुश्मनी छुपाए हुए होते हैं लोग आपको पता ही नहीं चलता कि वो क्या चाले चल रहे हैं उनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है इंसान धोखा खा जाता है और खास तौर पर उनकी जाहिरी जाहिर से उनकी बातों से तो नबी वसल्लम को होशियार किया जा रहा है कि आप इनके जाहिर से धोखा ना खाए हर वक्त मोहतात रहे ये किसी वक्त भी धोखा दे जाएंगे किसी वक्त भी बड़ा डंग मार देंगे फहजर हों यानी होंगे मतलब क्या इनकी बातों को इनकी बातें ना सुने इनकी बातों से इनकी तरफ मायल ना हो क्योंकि जब इंसान किसी के लिए किसी दुश्मन के लिए नरम गोशा दिल में रखता है तो फिर वो किसी वक्त भी नुकसान दे जाता है और इंसान नुकसान, नुकसान उठा जाता है तहुल्ला फकून इन पे अल्लाह की लानत कहाँ से फेरे जाते हैं यानी अल्लाह इनको अपनी रहमत से बाहर निकाल दे यानी एक तरह से बदवा है ये और एक माना यह भी किया गया है कि अल्लाह इनको ऐसी जगह पर उतारे जहां इनका दुश्मन इनसे जंग करे क्योंकि अल्लाह ताला हर शख्स पर गालिब है अन्ना यूफकून कहां से जाते हैं मतलब यह है कि कैसे वो हक से मुंह मोड़ जाते हैं किस तरह की कि फिरकी घूम जाती है कि हकीकत को देख नहीं पाते हकीकत को कोई और माना पहना देते कोई तावील कर लेते हैं झूठ बोलते हैं हक से फिर जाते हैं भलाई के काम से फिर जाते हैं इनकी अकल मारी जाती है हालांकि दलाल बिल्कुल वाजे होते हैं बात बिल्कुल समझ आ रही होती है लेकिन ये समझ ही नहीं पाते तो बुनियादी तौर पर इसायत में मुनाफिक की सिफात बयान की गई है या मुनाफिक की सिफात बयान की गई है कुरान मजीद में दीगर मकाम पर भी उनकी कुछ सिफात बयान हुई है जैसे सूरत मोहम्मद में आता है वलारिफन्ना फीला आप उन्हें बात के अंदाज से ही जरूर पहचान लेंगे कि ये मुखलस लोग नहीं हैं उनकी बातों से ही आपको सेंस हो जाएगी कि ये जो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और काम के वक्त कहीं गायब हो जाते हैं तो ये सिंसियर लोग नहीं हैं गुफ्तगु में बड़े माहिर हैं अब उस्मान नहदी कहते हैं मैं हजरत उमर के पास था वो लोगों से बात कर रहे थे उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज्यादा डर उस मुनाफिक का है जो जबान आवर होता है फिर यह कि बातें बहुत करते हैं अलैहि वसल्लम ने फरमाया फश गोई और ज्यादा बातें करना निफाक के शोबे गाली गलोच और बेई की बातें प्राइवेट लाइफ से मुख्य बातें ये मुनाफ्त की अलामत होती फिर बाजोकत हिकमत में अपनी बातें करना लेकिन अमल उसके बिल्कुल बरक्स करना उमर बिन खत्ताब कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक मैं इस उम्मत के हर ऐसे इंसान से डरता हूं इस उम्मत के यानी मुसलमानों के अंदर से जो मुनाफिक है बातें हिकमत की करता है लेकिन अमल जुल्म वाला होता है एक दूसरों के हक मारता है फिर इसी तरह एक और अलामत यह बताएगी कि अल्लाह की किताब लेके झगड़े करते हैं और उसमें गालिब आ जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुरान में झगड़ा ना करो और अल्लाह की किताब के बाज हिस्से को बास की वजह से ना जुट बाजुकत ऐसा होता है कि मोमिन कुरान के साथ मुजादला करता है तो मगलूब हो जाता है और मुनाफिक कुरान के साथ झगड़ा करता है तो गालिब आ जाता है जियाद बिन हदीर कहते है, जियाद बिन हुदैर कहते हैं हैं हज़रत उमर ने मुझसे दरियाफ्त किया क्या तुम ये जानते हो कि इस्लाम को क्या चीज तबाह करती है मैंने जवाब दिया नहीं हजरत उमर ने फरमाया शख्स की लफ्जिश मुनाफिक शख्स का कुरान के बारे में जगड़ना और गुमराह करने वाले हुक्मरान फिर इसी तरह बेअमल कारी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्लास कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लास को फरमाते हुए सुना मेरी उम्मत के अक्सर मुनाफिकीन कुर्रा मुनाफिक होंगे बज़ाहिर देखने में बड़ी खूबसूरत के राहत लेकिन अंदर से अमल से खोख खाली अब आप देखिए कि ये सारी अलात हमें अपने अंदर ढूंढनी चाहिए हम लोगों का जायजा ना लेना शुरू कर दें कि फला ऐसा है और फला ऐसा है कहीं इसमें से कोई चीज़ हमारे अंदर तो नहीं अगर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी चीज़ हो उसको निकाल देना चाहिए फिर झूठ बोलना और झगड़ा करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन खसलतें जिसमें वो मुनाफिक है खा नमाज पढ़ता हो रोज़ा रखता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो जब बात करे तो झूठ बोले वादा करे तो खिलाफ करे अमानत रखवाई जाए तो खयानत कर दे फिर एक और अलामत यह है कि ये मोमिनों की जोई करता है और ईमान वालों का मजाक उड़ाता है वो लोग जो उन मोमिनों पर ऐब लगाते हैं जो सदका ज्यादा देते हैं और उन पर भी जो मेहनत से कमा के लाते हैं क्योंकि गरीब है थोड़ा लाते हैं तो फिर उन पर हंसते हैं कि ये इससे रूम फतेह करने चले हैं। फिर यह कि दिल से ईमान लाने के बजाय सिर्फ जबानी ईमान का इजहार करते हैं जैसे सूरत में आता है फिर अल्लाह के बारे में बदगुमानी करते हैं ये इससे बड़ा एहतियात करने की जरूरत है अल्लाह ने ये क्यों कर दिया अल्लाह ने वो क्यों कर दिया भाई है वो तो अल्लाह है वो जो चाहे कर सकता है फलमायद है सूरत फतेह में आता है वह अदुनाफिक बलमुनाफिक वलमुशी नलमुश्रिक्लानाफिकत ये भी होती है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के वादों को झूठा समझता है हाँ जन्नत के वादे हूरों के वादे हैं किसने देखी जन्नत किसने देखे ये सब कुछ तो इसका मजाक भी उड़ाते हैं तुम लोग हर चीज आखरत पे छोड़ देते हो आखरत किसने देखी कल किसने देखा यानी जो वादे अल्लाह और उसके रसूल ने किया गोया वो ऐसी बातें हैं नजुबिल्ला फिर लोगों से छुपते हैं लोगों से डरते हैं अल्लाह से नहीं डरते और अल्लाह से नहीं छुपते वो उनके साथ होता है मशवरा करते हैं जिसे वो पसंद नहीं करता वे नमाज से पीछे रहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं हम देखते थे कि नमाज से कोई भी पीछे नहीं रहता सिवाय उस मुनाफिक के जिसका निपाक जाहिर हो या वो बीमार हो जबकि जो बीमार होता वो भी दो आदमियों के सहारे चलता नमाज पढ़ने आ जाता कुरान मजीद में, में भी आता है ना वाम काम को कि जब वो नमाज की तरफ आते हैं तो सुस्ती के मारे आते हैं भलायफ गुरून अल्ला और नमाज में अल्लाह को तो थोड़ा ही याद करते हैं फजर और इशा की नमाज इन पे खास तौर पर भारी होती है असर नमाज भी लेट के लेट करके पढ़ते हैं सूरज को देखते रहते हैं जब वो जर्द हो जाता है तो फिर दो चार ठोंगे मार लेते हैं और अल्लाह को बहुत याद नहीं करते बस तो थोड़ा सा ही बहुत ज्यादा खाते हैं फरमाया बेशक मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर या मुनाफिक सात आंतों में नेकी से रोकते हैं, बुराई का हुक्म देते हैं माल और दौलत में बुखल करते हैं

मिन हम का फिर सदक़त इनमें से कुछ वो हैं जो आप पर सदक़ के बारे में तान करते हैं फिर अगर उन्हें उसमें से कुछ दे दिया जाए तो खुश हो जाते हैं अगर ना दिया जाए तो नाराज हो जाते हैं बद अखलाक भी हैं दो खसलतें ऐसी हैं जो मुनाफे में जमा नहीं होती अच्छा अखलाक और दीन की समझ ये इन दोनों से गारी हैं फिर तो दो रुखी शख्सियत किसी के पास जाके किसी तरह बात करना और किसी और के पास बिल्कुल उलट हो जाना झूठी तारीफें चाहना वो यु हिब्बू ना अलामत होती है कि इंसान ये तमन्ना करे कि जो काम उसने किया ही नहीं उसमें उसकी तारीफ हो जाए फिर बदतरीन औरतों की मिसाल दी गई वो जो अपनी जेबो जीनत जाहिर करने वालियां अकड़ने वालियां हैं ऐसी मुनाफे औरतें और उनमें से कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा मगर सुर्ख चोट और सुर्ख पैर वाले कब्बे की तरह बहुत कम फिर मुनाफे के अंदर बहुत रियाकारी भी होती है, रियाकारी को मुनाफिक की खसरत बताई गई युराउन अन्नास लोगों को दिखावा करते यानी क्या चाहते हैं कि उनके कारनामे लोग जाने उनको इसकी बड़ी ख्वाहिश होती है अंदर इखलास कुछ नहीं होता इबादत इसलिए करते कि लोगों को पता चल जाए और लोग तारीफ करें कि ये बड़ा इबादत गुजार है फिर इसी तरह अपने हाल हलिए से अपनी आवाज से अपनी चीजों से ये जाहिर करते हैं कि वो इबादत कर करके थक चुके हैं आज उनका रोजा है आज आज उनके यानी ये एक तरह से खुफिया रियाकारी होती है ऐसी हरकतें करना चाहे जबान से कुछ ना कहे लेकिन अमल से जाहिर करना बड़े वादत गुजारे भाई फिर इसी तरह ऐसा लिबास वजा करता जिससे बड़े नेक और पाक नजर आए बस मखसूस किस्म के लिबास पहन के लोगों पर अपने तक़वा का रोब चाड़ना, जबकि असल में दिल ना हो ऐसे लिबास पहनने का लेकिन ऐसी मजलिस में जाना जहां इसकी जरूरत हो तो लोगों को बड़ा अच्छा नेक दिखाई देना आम जिंदगी में उसका कोई तमाम ना करना फिर इसी तरह आयात और हदीस इसलिए याद करना कि लोगों को इम्प्रेस कर सकें कितनी आयतें याद हैं इनको तो बड़े आलिम हैं फिर इसी तरह लोग देखें तो रुकू और लंबे सजदे करना बड़े तरीके से नमाज पढ़ना इसी तरह हज रोजा इन अहमाल में भी आकारी करना फिर इसी तरह किसी से मुलाकात करना या किसी के पास जाना तो वो भी एक तकल्लुफ के तहत के एक दिखावे के, के हाजिरी लग जाए हालांकि अल्लाह से अजर पाने की कोई तो ना हो जब कोई शख्स अल्लाह की खातिर किसी से मुलाकात के लिए जाता है तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है अल्लाह उससे खुश हो जाता है लेकिन अगर किसी के दिल में यह है कि मैं इसलिए जाऊं ताकि लोगों को बताऊं दूसरे को बताऊं कि देखो मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है इसलिए मैं आया हूं तुम्हारे पास हालांकि हो अंदर कुछ ना हो भाई नहीं है तो ना बोले है तो जरूर बताएं क्योंकि अगर हो तो ये भी हुक्म है कि दूसरे को बताओ कि मुझे मोहब्बत है तुमसे चाहे वो अमल से जाहिर करो चाहे वो जबान से करो ये कैसे भी फिर इसी तरह आर्टिफिशियल तवाजो वैसे दिहाई गुस्से का होना घर में बदतमीज और बदअखलाक होना ये बाहर लोगों से जुग जुग के मिलना दोहरा रवैया ताकि लोग तारीफें करें कि कितना अच्छा इंसान बाजू का ऐसा होता है तो कि औरत अपने शोहर की शिकायत करती है कि घर में बड़े बच्चों को मारपीट करते हैं बदतमीजी करते हैं अब्यूज करते हैं तो दोस्त कहते हैं हम तो यकीन ही नहीं करते क्योंकि हमारे पास तो इससे अच्छा अखलाक ही किसी का नहीं फिर अपनी नेकियों पे तारीफ़ चाहना यानी हर अमल को इस तरह शो करना कि बस लोग जो हैं वो तारीफ़ करें याद रखिए कि इन सारी हरकतों का अंजाम बड़ा खौफनाक है ऐसे लोगों को ना अल्लाह हिदायत देता है और फिर दर्दनाक अजाब की बशारत भी देता है दुनिया में भी इन पे लानत की गई और इनके अमाल को बर्बाद कर दिया गया इनको तोबा की भी तोफीक नहीं मिलती फिर पुलसरात पर इनका नूर बुझ जाएगा क्यामत के दिन ये अल्लाह को सजदा ना कर सकेंगे उनकी पुश तखते की तरह हो जाएगी क्यामत के दिन मुनाफिक की एलानिया तजलील होगी लोगों के सामने बुला के बताया जाए ये है वो लोग जिन्होंने अल्लाह पे झूठ बांधा था जहनम के सबसे निचले दर्जे में होंगे कबर में भी वो क्या कहेंगे ला अदरी लादरी मुझे नहीं पता के मैंने सुना था लोगों से तो मैं भी वही कह देता था मुझे पता नहीं है नहीं, दीन की समझ नहीं थी बस सुनी सुनाई बातें तो करने का काम यही है कि हम अपने बातिन पर तवज्जो करें अपने ईमान का पुरखें अपने अमाल पर गौर करें अपनी बातों में सच्चे हों अपनी ताकतें अल्लाह के रस्ते में लगाएं, और अपने बारे में निफाक से डरते रहें यह भी ईमान की अलामत होती है कि अपने बारे में निफाक से डरें और मुनाफिकीन के बारे में पढ़ें जाने और उन जैसे अमाल से परहेज करें तो अल्लाह सुबहान तहफूज रखें اللهم إني أعوذ بك من الأجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقصبة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الكفر من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان والسيئات الأحلام فإنها لا تكون شيئا

हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी ना हो किरदार के गाज़ी भी हों यारब्बीन हम अपने नेक नेकमाल को ज़ाहिर करने की बजाय सिर्फ तेरी खातिर छुपाने वाले बन जाए कि उस पर तुझी से अजर चाहें अल्लाह हमारे अंदर से खुद गर्जियों को दूर कर दे जाहिर दारियों को दूर कर दे फखर हसद गुरूर और मौका परस्ती और इन चीज़ों को हमारे से दूर कर दे अल्लाह हमारे अंदर की खराबियों को दूर कर दे हम ऐसे गंदे अंडे ना हों जो ऊपर से तो खूबसूरत नजर आए लेकिन तोड़ा जाए तो अंदर से गंद निकले या अल्लाह हमारे अंदर की गंदगी और मैल को दूर कर दे या अल्लाह हम नेकियों को फैलाने वाले बने और बुराइयों से रोकने वाले बने भलाइयों की तालीम देने वाले बने और ख़ुद भी अमल करने वाले बने या अल्लाह हमें अपनी रहमत के साथ अपने मोमिन बंदों में शामिल कर ले हमारे अंदर अपना खौफ पैदा कर दे अल्लाह हमारी दिलचस्पी दुनिया से ज्यादा आखिरत की हो अल्लाह हमारी जिस दिलचस्पी लोगों से ज्यादा तेरी ज़ात के साथ हो या रब्बुल आलमीन हमें हमारे अंदर अपने आप को नुमाया करने का शौक़ ना रहे या अल्लाह हम दुनिया के मामूली फ़ायदों की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें या अल्लाह हम आखिरत के बारे में हमें संजीदगी की अता फरमा अल्लाह हमें मसनू बातों और तसन्नों की बातों और गैर हकीकी बातों से बचा ले या रब्बुल आलमीन हमें दूसरों का मुखलिस साथी बना या अपनी खातिर लोगों से मोहब्बत करने वाला बना या हर तरह की मुनाफत छोटी बड़ी सब हमारे अंदर से दूर कर दे रबालमीन हमें हमें ऐसे हमें साहब कराम और हिदायत याफ्ता लोगों के तरीके पर चलने की तोफीक दे और मकदूब अल हिम और दालीन के तरीके पर चलने से बचा ले ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون परमाई उनैजा जी स्वामी सर जी वेरी गुड अह सर जी कभी-कभी ऐसे होता है ना कि माइक खोलिए व्हिच इज माइक खोलें so, um हम हर वक्त ऐसे लगता है जैसे आप कुछ सुन रहे हैं तो वो बस आपके लिए उतरा हो या आप ही के लिए हो, तो मुझे कभी ऐसे लगता है वो मतलब एक डर खौफ इंसान के अंदर होता है कि ये ये जैसे हम ये भी कर रहे हैं हम ये भी कर रहे हैं और जैसे आज मैं सुबह को जब आ रही थी तो एक तरह से मैं बहुत शुक्र करी थी मैं दो तीन हफ्ते से वेट करी थी कब मेरी बारी आती है और कब मैं जाऊँ और मैंने रात को सिस्टम होना से पूछा कि मैं कब आ सकती हूँ तो आते वक्त मैं यही सोचने लगी कि ऐसे लग रहा है कि आज मैं अपनी रूह को जैसे ना कोई कुछ वो देने जा रही क्योंकि दुनिया में रहते हुए ऐसे लग रहा होता है कि आप अगर दो तीन दिन लेक्चर्स ना सुने या कुछ ना करें आप फिर से दोबारा से उस तरह चाह रहा हूँ कोई देर ही नहीं लगती है कोई देर नहीं लगती है कि इंसान जो है हमें किस तरीके से वो अपनी दुनिया में ले लेता है हालांकि वो दुनिया कोई बाहर के लिए नहीं घर के लिए क्योंकि समर आता है तो घर में इतने काम होते हैं कि हस्बैंड को भी हेल्प चाहिए होती है वही कर रहे होते हैं फिर ये एहसास करते हैं कि नहीं हमें जारी तो उन लोगों को भी हेल्प चाहिए तो कुछ कर दें उनके लिए भी लेकिन ऐसे लगा खुशी हो रही थी कि अल्लाह ताला आज मेरी रूह को मैं वो देने जा रही हूँ जो मैं जी और क्योंकि हम जब रेगुलर स्टूडेंट होते हैं आ रहे होते हैं वो मैं, मैंने देखा है जो पढ़ा रहे होते हैं पढ़ने के बजाय जो पढ़ने वाला लुत्फ होता है वो बहुत अलग होता है वो पढ़ाने में नहीं आ रहा होता और पढ़ाने में ऐसे लगता है जितना ईमान का लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो रहा जो पढ़ने में हो रहा है अलहमद ये बहुत एक चीज़ होती है जैसे अभी आपने बात कही सारी आयत के मोमिन की सिर्फ एक ही आयत मुझे याद आ रही थी वह लिजाती फायलून वाली वो ऐसे लगता है वो तस्किया का प्रोसेस मुसलसल करते रहो फायलून में ये ना कि आप करते ही जाए वो तस्किया अपने नफ्स का साथ साथ दूसरों को भी लेके चलते रहे बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि आयतें बस उसी के लिए आई हूँ जैसे Um, जा बहुत सारी बातें वाकई आपने तो सही कहा कि जब हम ये मुनाफिक की किरदार की बात करते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग घूमने लगता है लेकिन फिर हमें फिर वापस अपने ट्रैक पे आना पड़ता है कि खुद को देखो ना कि दूसरों को लेबल करें कि ये तो ऐसा ये ही होगा नंबर टू ये अगेन uh, ये समझ आ रही थी कि जो टू फेस पीपल का आपने कहा तो एक शेख बता रहे थे कि Uh, आदमी जो है वो बाहर इतना अच्छा अच्छा बन रहा होता है जैसे कि अबू बकर तो कह रहे कि ये तो बाहर तो अबू बकर है मगर अबू जहल घर में जाके बन जाता है तो लेकिन वो कोई समझ ना पाए उसको कि ये ऐसा भी हो सकता है इवन की दो रवैया लाइक टू टोटली टू पीपल अबू बकर एंड अबू जहल तो कौन सा सोचेगा कि ये ठीक कह रहे हैं बच्चे या बीवी ये ऐसा ही हो, जा, हो जाता है और आप ने तो ये भी आ, ने मुझे याद है ऐसा शख्स जो है जिसका अखलाक अच्छे नहीं है अपने घर वालों के साथली मतलब अगर उनसे कोई खौफ खाता है घर के बच्चे बच्चे डर जाते हैं छुप जाते हैं कहीं अगर तो ऐसा इंसान बाहर कितनी भी अच्छी बातें कर ले कोई फायदा नहीं तो, लेकिन उसने अपनी तो आखरत का क्या किया उसने तो बस और दूसरा जब स्टार्टिंग में आप ये बता रही थी जब इसके बारे में कि दे आर लाइक फिजिकली वेरी स्ट्रोंग और तो आज हम यही देखते हैं कि जो भी आदमी है मस्कुलर बन रहे हैं बहुत मसल्स बना के दे आर कमिंग ऑन द टीवी और अपने आप को मीडिया पे ला रहे हैं कि वी आर समथिंग और उसके लिए इतनी मेहनत की जाती है कि कोई मिस्टर कैनेडा बनना चाह रहा है तो मिस्टर यूनिवर्स बनना चाह रहा है लेकिन अगर आप उनके अखलाक और उनकी दीन की बात करें तो तो इतनी मेहनत सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि कि तो मैं दुनिया बन जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो असल पहलवान वो है जो के वक्त अपने को को ना? को वो है अभी तो यही नजर आता मीडिया पे जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो देखने में कौन है इसी से के, आ, फिटनेस के आप देख लें बिहान से क्या क्या चीजें हो रही हैं सबसे ज्यादा जो जगह ज़, है जहां से फहाशी फैलती है वो फिटनेस क्लब्स हो गए और उसके बहाने से अभी आप देखें योगा और ऐसी ऐसी चीजें जो कि हमारे दीन में भी खलल पैदा करने वाली और हमारे ईमान में भी खबर खलल पैदा करने हम उसके डेप्थ तक जाते ही नहीं क्योंकि तीनों चीजें आपने जैसे मेंशन की प्रायोरिटी जिसमें रू अकल और जिसम अकल को तो बिल्कुल ही आप पीछे छोड़ दे ना सम, समझते ही नहीं किसी चीज को कि ये हमारे दीन में तो नहीं ये खराबियां पैदा कर रही करी चीजें कि अगर हम ये आ, करने जा रहे हैं इवन के वहां के जो वॉशरूम्स हैं या वो जो क्लब्स हैं या वो जो यू, जिस तरह यूज करते हैं वो लोग अल्लाह माफ कर दे मतलब कि जिस तरह का लिबास वहां पहना जाता है और उन वहां अलाउ नहीं करते कोई को आप फुल कवर्ड आप आए खुद वो कहते हैं आपको कि आप आप उन्हें ये 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 पहन के आना और बच्चे जो हैं वो भी अपने मां-बाप को इतनी जल्दी कन्विंस कर लेते हैं कि हम ये फिटनेस क्लब ही तो जा रहे हैं और वहीं से फसाद शुरू तो अल्लाह ताला हमें बचाए दूसरा मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी बात के ज़ैद बिन अरकम जो हैं उनको इतनी बड़ी मतलब बात की जाती है कि लेकिन ये ये नहीं करते कि शिकायतें करते फिरें इधर-उधर बातें करते फिर, बाते फिर। अल्लाह ताला की रजा में राजी हो जाते हैं और वक्त हमें भी अगर हमारे पास ऐसे वक्त आ जाए या हम अकेले रह जाए या हमेंट हम तो तो हाँ जा, करने में और उसमें ताकत ना यूज करें कि अपने आप को सफाइया पेश कर करके आधा टाइम अपना उसमें गुजार देते हैं हम हमें वेट करना चाहिए कि तब तक अल्लाह ताला हमारी बारात कब तक सामने ले आते हैं और अल्लाह ताला

और मैं सोच रही थी कि लकड़ियों की बात आई ना तो मैं कमरे पे गौर करने लगी कि एक लकड़ी यह है जो दीवारों पे लगी हुई है यहाँ और एक लकड़ी यह है जो बेंच की शक्ल में चेयर्स या टेबल की शक्ल में है तो जो दीवारों पे लगी हुई लकड़ी है वो कमरे के हुसन में इजाफा कर रही है लेकिन वो किसी मकसद के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही लेकिन ये जो बेंच की लकड़ी है अगर देखा जाए तो उसके मुकाबले में बहुत सिंपल है बहुत सादा है लेकिन सबसे ज्यादा कार है और एक और चीज ये कि ऐसा लगता है कि जैसे निफाक जो है वो शिरक और ईमान के दरम्यान की चीज़ है अगर हम उसमें बढ़ गए तो शिरक की तरफ निकल जाएंगे अगर उससे बच गए तो फिर ईमान मजबूत हो सकता है ओके अलैक्म वरम وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم शेख इस इस क्लास में बड़ी खैर है माशाल्लाह मैं कल पढ़ा रही थी ना कि अल्लाह ताला किन किन लोगों से मोहब्बत करता है और उनकी कुछ अलामतें बताई थी तो और मोहब्बत करने का मतलब आप अमानती एहसास मोहब्बत करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला उन बंदों से राजी होता है ना तो आज सुबह मुझसे किसी ने पूछा कि कैसे पता चले कि अल्लाह ताला हमसे राजी है रिकॉर्ड नहीं करना मैं ऑफलाइन तो बात करें तो किसी ने पूछा कि कैसे पता चले क्या بسم الله الرحمن الرحيم आउज़बिल्तवी बसमीमल वरक हमारा आज का लेसन मुकम्मल हुआ हमने म्यूट नहीं किया एक्चुअली ये एक कैनेडा कैंपस से लाइव था तो वहां से जो है कनेक्शन हमारा डिस्कनेक्ट हुआ तो इंशाल्लाह हम टू होम लेसन लेंगे आज की आयत में से आज की जो मिसाल हमने की दुआ कर लेते हैं अल्लाहनाफीन आमी आज की जो है कौन सी सूरह की आयत आज हमने की है जी मुझे भी वो एक फीलिंग आ रही है कि मिस हो गई है बट इट्स फ्रॉम देयर तो हम कुछ कर नहीं सकते ना न मुनाफिकून आय नंबर फोर और बहुत दफ़ा पढ़ी है बहुत दफ़ा इसको हम गो थ्रू होते हैं जब कुरान पढ़ते हैं लेकिन आज क्या बात समझ में आपको आई डिफरेंट क्या चीज फील हुई खुद का जायज़ा मैं कॉन्टीन्यूसली ये सोच रही थी कि हमारा हम लोग कितने ज्यादा अपनी ज़ाहरी बनावट पर अपने लिबास पर अपनी सेहत पर अपनी डाइट पर कितने कॉन्शियस होते हैं ना हम लोग अपनी फिजिकल बॉडी को कम्फर्ट देने के लिए ऑलमोस्ट अब देखें मुख्तलि डाइट्स प्लान हैं हर फूड का न्यूट्रिशन फैक्टर देखा जा रहा है आ, फिर जैसे अभी एक सिस्टर ने बात की कि हेल्थ क्लब्स ज्वाइन किए जाते हैं ऑल I mean, जो हमारा है हम किस चीज पे करते हैं वेट थोड़े से ऊपर नीचे हो रहा है तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम इतने पाउंड ज्यादा हो गए इतने कम कर रहे हैं फिजिकल बॉडी पे ना तो ये हमें कभी ख्याल नहीं आया कि मेरा जो रूहानी लेवल है वो कहाँ पे जा रहा है या मैंने जो आज से साल भर पहले मेरे दीन का या ईमान का लेवल था या जो मेरे पास इल्म था दीन का वो साल के बाद कितना इम्प्रूव हुआ है या कितना कम हुआ है uh, मेरा कनेक्शन कैसे लोगों के साथ है जो मेरे ईमान को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं हम इन बातों पे नहीं सोचते हैं ना तो ये एक बड़ी स्ट्राइकिंग एक पॉइंट था मेरे लिए uh, हो सकता आप आपके लिए भी हो कि हमारी सारी एफर्ट या हम अपनी फिजिकल uh, हेल्थ uh, की तरफ करते हैं या हम अपनी जीनत की तरफ बींग हम अपने uh, देखभाल करते हैं अपनी खूबसूरती की जी तो करने का काम क्या है कि हमने ये देखना है हम कितने प्रोडक्टिव हैं हम अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन कैसा है हमारे हमारा रूहानी लेवल क्या है क्या हम हर कुछ अरसे के बाद जैसे होते हैं ना आप देखें अगर आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में हैं कोई प्रोफेशनल करियर है आपके पास तो आपको कुछ अरसे के बाद रिफ्रेशर कोर्सेज लेने पड़ते हैं है ना चाहे आप डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं टीचर इवन तो जब दुनिया के किसी इंस्टीट्यूट में हम होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अपग्रेड करने के लिए अपने आप को रिफ्रेशर कोर्सेज लेने पड़ते हैं ऐसे होता है ना जो कोर्सेज नहीं करता वो पीछे रह जाता है उसकी तरक्की के चांसेस कम हो जाते हैं तो वट वी आर एग्जैक्टली कि हम अपना लेवल बढ़ाने के लिए आर वी हैप्पी टू एट द लोएस्ट लेवल ऑफ जन्ना या हमें उसको इम्प्रूव करना है जितना कुरान मुझे पहले आता था या मिसाल के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम में से सब लोग पांच नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करते हैं तो हमने ये चेक करना है कि बीइंग अ मुस्लिम अ अमेन क्या हमने उसके अंदर एडिशन किया किसी इबादत का किसी नफली इबादत का या मैंने आ, अपना अखलाक बेहतर करने की कोशिश की इन इन साइड एंड आउट नॉट की जब हम बाज लोग होते हैं ना जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो एक फेक स्माइल भी पुट कर लेते हैं और इस फेक स्माइल को आपने अक्सर जो कैशियर चेक पॉइंट होते हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस किया होगा डज नॉट मैटर कैशियर कितना भी टाइर्ड हो वो आपको एक स्माइल जरूर देता है तो हमें ये चेक करना है कि हमारा अखलाक वाकई दिल से हम दूसरों की खैर खाई चाह रहे हैं या हम एक फेक अपना एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं तो ये हमारे एनालिसिस के जो है और फिर दीन हमें कितनी समझ आ रही है दीन का कोई हुक्म आता है जो हमें पहले नहीं पता या हमें पता चलता है नफली इबादत का ना हम कितने तवातुर से पढ़ते हैं ना कि चाश की नवाफिल है अशरात की नमाज है और तो क्या हम वाकई उनको ऐड कर रहे हैं या हम सिर्फ ये कंसिडर करके कि ये नफल है सुन्नत है कोई मसला नहीं तो ये हम इन अमसाल के पढ़ने का फायदा यही है कि आफ्टर गोइंग थ्रू इस पूरे कोर्स में से हमारे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई है तो इनशाला हम में से हर शख्स अपना जैसे उस्ताद ने कहा ना कि खुद को देखना है इस पे इस क्राइटेरिया पे हमने दूसरों को नहीं रखना क्या हम दीवार के साथ जैसे डेकोरेटिव जो है लकड़ियां हैं जेबो जीनत के लिए जो इख्तियार की जाती है या वाकई हम किसी के काम आ रहे हैं और सबसे पहले तो हमें अपने काम आना है तो इनशा आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में जजाक बारह फिर असलाबरक الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا اللهم